सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेतन रथलिया। आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ आए हुए हैं योगेंद्र भैया एंड चिंटू भैया, कहाँ गए ये रे चिंटू भैया। सो आज हमारे पास एक काफ़ी औसम चीज़ है, वो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। ये चलने में काफ़ी औसम लगी मुझे, आज मैं इसको सुबह से चला रहा हूँ। तो चलो मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ। जिसका कलर है वो रेड कलर है, ये मेरा फेवरेट कलर है। सॉरी, इधर से मैं थोड़ा काला आ रहा हूँ, इधर आता हूँ। तो जो मेरा ये कलर मेरा फेवरेट है एंड ये क्लासिक मॉडल है जो कि काफ़ी कूल है। अब मैं इसको थोड़ा आपको बताता हूँ इसके बारे में। हेडलाइट से, तो हेडलाइट के आगे जो हल्की सी कैप है ये क्लासिक मॉडल में अपन को देखने को मिलती है। उस इंडिकेटर की बात करें तो इस पर हमने ब्लैक कलर की कैप लगवा रखी है दोनों साइड, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद अपन इसके नीचे की बात करें तो इसमें अपन को ABS देखने को मिला, डबल चैनल ABS अपन को इसमें देखने को मिलेगा। इसका जो टायर है वो ट्यूब लेस नहीं है, ट्यूब वाला टायर इसमें डला हुआ है। एंड अब हम इसके इंजन की बात करें तो इसका जो इंजन है ये 350 CC का है, और जो कि क्रोम फिनिशिंग में अपन को देखने को मिलेगा। और इसमें जो इसका मड गार्ड है वो ग्लोसी ब्लैक कलर का है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ग्लोसी ब्लैक कलर का अपन को देखने को मिलेगी। एंड अपन इसके पीछे की ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो कि मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो अपन इसके पीछे की ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें पीछे ब्रेक डिस्क ब्रेक अपन को देखने को मिलेंगे। साइलेंसर की बात करें तो इसका साइलेंसर काफ़ी लंबा है और दिखने में काफ़ी कूल। एंड इसका जो साउंड है वो काफ़ी प्यारा साउंड है, जो अभी मैं स्टार्ट करके आप चाबी को करते हैं ऑन, और ऑन करते हैं अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा न्यूट्रल। एंड यहाँ पे बताता है किलोमीटर एंड इसका स्पीडोमीटर। उसके बाद अपन बात करें इस साइड की तो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का लोगो और यहाँ पर पेट्रोल एंड यहाँ पर अपन को ABS देखने को मिलेगा। और उसके बाद राइट साइड की बात करें तो अपन को सिंपल सा यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच एंड यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो अपन इसको करते हैं ऑफ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा में लाइट को ऑन ऑफ करने का स्विच लगा रखा है। अपन बात करें तो इसमें लो बीम एंड हाई बीम को करने के लिए स्विच दे रखा है, और ये इंडिकेटर का लेफ्ट राइट का बटन एंड इसके बाद हॉर्न। आज स्टैंडर्ड मॉडल में अपन को सीट एक जैसी देखने को मिलेगी, और जो क्लासिक मॉडल में उसमें अपन को सीट अलग अलग देखने को मिलेगी। उसके बाद अपन इसके पीछे की लुक की बात करें तो वो इस तरीके को अपन को देखने को मिलेगा। ये चलने में काफ़ी औसम है, और जो 350 CC का इंजन है इसकी पावर काफ़ी अच्छी है, और आज मुझे इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। आप लोगों को भी अगर ये बाइक अच्छी लगती हो तो कमेंट जरूर करें, एंड मेरे चैनल पे जो भी नए हो चैनल को जाएं सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक अच्छी सी वीडियो में।